नमस्कार, स्वागत है, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। आज हम उन उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं जो ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए आवेदन करने के योग्य एवं इच्छुक है। उनके लिए एक खुशखबरी है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में बेरोजगारी है, साथ ही हमारे देश में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। आपको बता दें कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा आपके लिए एक सरकारी नौकरी प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय डाक विभाग के माध्यम से भारतीय डाक आपको एक सुनहरा अवसर प्रदान करने जा रहा है। बता दें कि भारतीय डाक में 5000 पदों पर बंपर भर्ती जारी की गई है, इसलिए जो भी आवेदन करना चाहते हैं वह आवेदन कर सकते हैं। वहीं ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती डाक विभाग के देश भर में फैले 23 सालों में होती है। बता दें कि ग्रामीण डाक सेवक की परीक्षा में भर्ती होने के लिए आवेदन की शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल होनी चाहिए तथा आवेदक को गणित व अंग्रेजी विषय के साथ पास होना जरूरी है। साथ ही आवेदक को यह जानकारी होनी चाहिए कि वह जिस भी सर्किल के लिए आवेदन कर रहा है उसे वहाँ की स्थानीय भाषा की ज्ञान अवश्य होनी चाहिए। ग्रामीण डाक सेवक में भर्ती होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है तथा यदि आवेदक 18 वर्ष से कम होगा तो वह आवेदन नहीं कर सकता है, जबकि दूसरी ओर आवेदन करने की अधिकतम सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर आवेदक 40 वर्ष से अधिक होगा तो यह आवेदन नहीं कर सकता है। ऐसे ही खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे चैनल फोर्थ पिलर लाइव को।